हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, ये रीसेल का शॉप है, एक कॉर्नर शॉप है, बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है, अपोजिट DCC क्लब में, जो और एक अच्छे प्राइस में ये सेल कर रहे हैं। इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आइए जानते हैं, इस शॉप को देखते हैं। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मुंबई से स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए मैं पहले आपको लाइव कैसा है, उसके बाद मैं इसकी साइजिंग की प्राइजिंग की बात करूँगा, क्या क्या यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, वो सब कुछ बातें करूंगा। आइए पहले मैं आपको दुकान दिखाता हूं दोस्तों। ये इसका बिल्डिंग का एलिवेशन है और ये मैं स्टार से दिखा रहा हूं। ये शॉप की एंट्री है, जो कुछ बैनर्स लगे हुए हैं। यहां पे सैलून चालू था, पहले स्टार्ट था, अभी जस्ट ये शॉप खाली हुआ है। 16 फुट लंबी है, 10 फुट चौड़ी है दुकान। लॉफ्ट भी है, फॉल सीलिंग वगैरह लगा हुआ है, और लॉफ्ट के ऊपर एक वाटर टैंक रखा हुआ है, पानी की भी सुविधा है इसमें। मैं आपको लॉफ्ट के ऊपर दिखा देता हूँ किस टाइप का है। ये लॉफ्ट के ऊपर स्पेस है और ये वाटर टैंक भी रखा हुआ है। अगर आप सैलून भी चालू करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बिकॉज आप इसका बेनिफिट देखें तो सामने ही अपोजिट में इसका GCC क्लब है। ये मैं आपको शॉप से बाहर आके सामने देखें तो 20 फुट का इसका फ्रंटेज है, ओटला है, और सामने GCC क्लब की आपको बिल्डिंग दिख रही है। फ्रंट में ही इसका GCC क्लब है और मेन हटकेस रोड पर है ये बिल्डिंग, जिसमें ये शॉप है। काफ़ी रनिंग रोड है ये, यहाँ से बस रिक्शा वगैरह का हमेशा आवागमन रहता है। आइए अब मैं दुकान की डिटेल की बात करता हूँ दोस्तों। जो दुकान आपने देखा है अंबिया पैलेस का, ये हटकेस रोड पे है, GCC क्लब के जस्ट अपोजिट साइड में है, मीरा रोड ईस्ट में। और प्रोजेक्ट की बात करूँ, 7 माले की बिल्डिंग है, वाटर फैसिलिटीज इसमें था ही, वाटर टैंक आप देख ही चुके हैं। रोड फेसिंग दुकान है, बिल्कुल आई लेवल पे दुकान है, ये कॉर्नर की दुकान है। कॉर्नर की दुकान जब आपको मिलता है तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिल जाता है कि आप मार्केटिंग के लिए साइड का वॉल आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया एक लोकेशन है, क्राउडी एरिया है, रोड टच प्रॉपर्टी है ये। करंट रेंट इसका 15 से 16 हज़ार रुपये पर मंथ इसका रेंटल इनकम है। अगर आप इन्वेस्टमेंट देखें तो इन्वेस्टमेंट के सामने इसका रेंटल रिटर्न है काफ़ी बढ़िया है। 10 से 15 साल के अंदर की बिल्डिंग है ये। किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेना चाहें तो लोन भी हो जाएगा। कारपेट एरिया इसका 160 स्क्वायर फुट इसका कारपेट एरिया है, और जो फ्रंटेज है 15 से 20 स्क्वायर फुट का फ्रंटेज ओटला है इसका। हाफ इसका लॉफ्ट है, हाफ मालिया है इसका। विड्थ 10 फुट है और डेप्थ 16 फुट है। प्राइस इसका दोस्तों 51 लाख इसका प्राइस है। अगर 50-52 लाख की प्रॉपर्टी होती है और 15 से 16 हज़ार का रिटर्न आपको मिल रहा है तो आप यूँ लगभग समझ जाएं कि करीबन 6 से 7% का रिटर्न मिल रहा है। और ये शॉप में आप रिटेल खोल सकते हैं, जनरल स्टोर खोल सकते हैं, क्लासेस खोल सकते हैं, प्ले ग्रुप, इंस्टीट्यूट, पार्लर, सैलून और बहुत सारी चीज़ें आप खोल सकते हैं। ये तो मैं बेसिक आपको आइडिया दे रहा हूँ यहाँ के पब्लिक के क्राउड के हिसाब से। इसका कनेक्टिविटी की बात करूँ दोस्तों तो GCC क्लब के जस्ट ये अपोजिट साइड में है। ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर कॉर्नर पे दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। और ये प्रॉपर्टी अगर परचेस करने में इंटरेस्ट है तो हमें फ़ोन करें, हम आपको टोकन से लेके लास्ट पोजीशन दिलाने तक हम आपके साथ में रहेंगे, पूरा काम करवा के दोस्तों देंगे। आइए हमारी सर्विसेज के बारे में समझिए कि और क्या क्या सर्विसेज के जरिए हम अपने कस्टमर्स को फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी परचेस करवाने में हेल्प करते हैं दोस्तों। अब हमारी सर्विसेज की बात करें दोस्तों तो हम लोग न्यू लॉन्चिंग, न्यू बुकिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन, बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी और होम लोन में डील करते हैं। कभी कभी तो हमारे पास बैंक ऑक्शन की जो प्रॉपर्टी आती है कभी 40% 50% डिस्काउंट पे होती है, और मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोगों को फायदा कराया है बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी उनको परचेस करवाने में। दूसरा, लॉन्चिंग प्रॉपर्टी जो होती है, बिल्डर जब प्रॉपर्टी नया नया लॉन्च करते हैं तो उनका अच्छा खासा एक प्राइज होता है, जो बेस खड़ा करने के लिए उन्हें कुछ जो फ्लैट बेचना होता है, 200-500 फ्लैट बेचना, अगर एक प्रोजेक्ट में 1000 फ्लैट है तो उसमें एक 500 फ्लैट बेचने का टारगेट रहता है लॉन्चिंग पे। जिस तरह आप ये वीडियोस देख रहे हैं उसी तरह हजारों लाखों करोड़ों लोगों वीडियो देखते हैं हमारे, जिनको भी प्रॉपर्टी परचेस करना होता है। और अगर उन्हें प्रॉपर्टी सेल करना हो अर्जेंट में, उन्हें कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, इस टाइप के प्रॉपर्टी हमारे पास आते रहते हैं, वो हमें सामने से फ़ोन करते हैं कि विकास जी हमें प्रॉपर्टी सेल करना है, और वो हमें जब इन्फॉर्म करते हैं तो ऐसे अर्जेंट वाली फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पर शेयर करता रहता हूँ दोस्तों। कभी भी जब आपको प्रॉपर्टी परचेस करना हो ऐसे फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जब भी मैं ऐसे कोई फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका जल्द से जल्द फ़ायदा ले सकें दोस्तों।
अगर आप YouTube के से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है तो हमारा WhatsApp नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। ये दोनों नंबर हमारा WhatsApp पे है। इन दोनों नंबर पे आपका नाम, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट ये सब लिख के भेज दें। इस टाइप के अगर हमारे पास फ़ायदे वाली या बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, न्यू लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी आती है तो मैं हमेशा अपने इस व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शेयर करता रहता हूं। जब भी महीने, दो महीने, चार महीने में ऐसी प्रॉपर्टी आती है और ये 1-to-1 आपको ये मैसेज मिलता रहेगा। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आप ये इन्फॉर्मेशन देख के आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आपके आसपास में जो फ्रेंड्स और फैमिली हैं उनको भी शेयर करें ताकि अगर उन्हें भी ज़रूरत हो। आप दोस्तों कहीं से भी पैसे कमाते हैं, किसी भी वे से पैसे कमाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है तो आप प्रॉपर्टी टारगेट करते हैं कि हमें प्रॉपर्टी परचेस करना है। लेकिन प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना है, किस तरह का प्रॉपर्टी खरीदना है। वो सब सावधानियों को आपको स्टडी करना, जानना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मैं शेयर करता ही हूँ। मेरे YouTube में बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं, हर एक वीडियो को आप देखें, हर एक वीडियो में अलग अलग नया नया टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेगा। जो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके पहले आपको किन किन सावधानियों को रखना चाहिए, बरतना चाहिए। दोस्तों फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मिलूंगा फिर से नए वीडियो के साथ, आऊँगा नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त। फ्रेंड्स तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।